नमस्कार छात्रों, श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग निरंतर पढ़ रहे हुए और पढ़ना भी चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है और स्कूलों के खोलने की अभी कोई सूचना नहीं है, तो आप लोगों के लिए फायदा यह निरंतर कक्षाएं अटेंड करते रहे आप, इसमें आपका ही कुछ आपको कुछ पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कौन सा पाठ, स्वराष्ट्र गौरवम, जो कि किसका पाठ है, पद्य का पाठ है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि पद्य के पाठ में से 5 नंबर की हिंदी व्याख्या और 4 नंबर की संस्कृत व्याख्या, उसके बाद 3 नंबर के श्लोक भी आप इसमें से लिख सकते हैं। जो आपके लिए श्लोक आएंगे 3 नंबर के, 2 श्लोक लिखने हैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के। ध्यान रखना, अपनी पाठ्य पुस्तक के ही श्लोक याद करें, अन्यथा दूसरी पाठ्य पुस्तकों के या फिर दीवारों पर लिखे हुए होते हैं स्कूलों में, उनको नहीं लिखें। क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट दिया होता है कि कोई भी अपनी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं जो कि उस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। और ध्यान रखना, प्रश्न पत्र में भी आपको श्लोक नहीं लिखना है। तो इसलिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा हो सके तो श्लोक याद करें। तो हम पाठ की बात कर रहे थे, देखते हैं कौन सा पाठ चल रहा है अपना। तीसरा पाठ चल रहा है स्वराष्ट्र गौरवम। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपके जो 5 श्लोक कराए थे पहले पिछले, वो समझ में आ गए होंगे, सरल श्लोक है। पूर्व में भी मैंने आपको किताब करा दी थी स्कूलों में। अब आगे शुरू करते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नेम लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका नेम लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। कहाँ से? अपि स्वर्णमयी लंका नेम लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। बात करते हैं इस श्लोक की, तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक लिया गया है रामायण में, रामायण से लिया गया है। ठीक है, रामायण से लिया गया है। कौन कहता है इस बात को? इस बात को कहते हैं भगवान श्री राम किससे? लक्ष्मण से कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अपि स्वर्णमयी लंका नेम लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण जो है यहाँ पर संबोधन का चिन्ह हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे अपन हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? हे लक्ष्मण। क्या लिखेंगे? हे लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका, लंका सोने की होते हुए भी, किसकी? लंका सोने की होते हुए भी नेम रोचते, मे माने मुझे, मे माने नहीं, रोचते माने अच्छी लगती। लंका लंका सोने की होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? जननी माने माता और जन्मभूमि माने जन्म स्थान। जननी माने माता, जन्मभूमि माने जन्म स्थान। हे लक्ष्मण लंका सोने की होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग आत अपि, स्वर्गात यानी स्वर्ग से भी, कहाँ से? स्वर्गात अपि यानी स्वर्ग से भी क्या है? गरीयसी, गरीयसी यानी क्या है? श्रेष्ठ हैं। क्या है? श्रेष्ठ हैं। दोबारा सुन लीजिए कि हे लक्ष्मण लंका सोने के होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी जन्म स्थान किससे है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये आपका श्लोक आपको समझ में आ गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। एक बार और फिर सुन लेते हैं। हे लक्ष्मण लंका सोने के होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी जन्म स्थान किससे भी श्रेष्ठ है? जन्म किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यदि यह श्लोक आ जाता है आपके लिए, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग लिखोगे प्रस्तुत श्लोक, या फिर संस्कृत में पदांश कैसे बनाएंगे? प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक पन्नाया स्वराष्ट्र गौरव इति पाठात उद्धृतः। फिर से सुन लीजिए, प्रस्तुत श्लोक श्लोक है या फिर श्लोको अयम अस्माकं पाठ्य पुस्तक पन्नाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्धृतः। मूलतः अयम श्लोक रामायणात् ग्रंथात्, रामायण ग्रंथ से क्या है? उद्धृत है, संकलितो अस्ति यानी उद्धृत है या फिर संकलितो यानी लिया गया है। और अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में कवि जनन्या जन्मभूमि च, जनन्या यानी जनन्या यानी माता, जन्मभूमि च यानी जन्मभूमि, महत्ताम दर्शनम कथयति। महत्ताम यानी महत्वता का क्या कह रहा है?
इस श्लोक में कवि जननी और जन्मभूमि की महत्ता को दर्शाता हुआ कहता है। दोबारा सुनिए, श्लोको अयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनायाः स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात उद्धृतः। अयम श्लोकः वयम् वाल्मीकि रामायणात संकलितः, वाल्मीकि की रामायण से लिया गया है। और क्या कह रहा है कि श्लोक के अस्मिन, इस श्लोक में क्या 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 हो रहा है, कवि जनन्या जन्मभूमि च महत्ताम दर्शयति। ठीक है, क्या करता है वो, महत्ता को दर्शाता है किसकी, जननी और जन्मभूमि की। अगले श्लोक की बात करें, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणी, कि राष्ट्र दृष्टि माने राष्ट्र दृष्टि को, नमस्यामो माने नमस्कार करता हूँ, कौन, राष्ट्र मंगल कारिणी। राष्ट्र मंगल कारिणी माने राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोबारा सुनो, राष्ट्र दृष्टि माने राष्ट्र दृष्टि की को, नमस्यामो माने नमस्कार करता हूँ। कैसी राष्ट्र दृष्टि को, राष्ट्र मंगल कारिणी, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। यया बिना न पश्यन्ति, यया माने जिसके बिना, माने बिना, न पश्यन्ति माने नहीं देख सकते, जिसके बिना नहीं देख सकते क्या, स्वयं निकट स्थितम, अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी हम लोग नहीं देख सकते। कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके बिना पास में स्थित राष्ट्र को भी हम सब लोग नहीं देख सकते। कहाँ से लिया गया है ये श्लोक, अमृत वाग्भाचार्य से। कहाँ से लिया गया है, अमृत वाग्भाचार्य से। दोबारा से सुनते हैं, कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके बिना, यया माने जिसके बिना, माने बिना, जिसके बिना पास में स्थित राष्ट्र को भी हम लोग नहीं देख सकते, जिसके बिना पास में स्थित राष्ट्र को भी हम लोग नहीं देख सकते। दोबारा सुन लो, राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को या राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना समीप में स्थित या पास में स्थित राष्ट्र को भी हम लोग नहीं देख सकते। अब जैसे इसमें से क्या निकालना है, राष्ट्र व्याकरणात्मक टिप्पणी करें तो एक दो शब्द कई कर सकते हैं, राष्ट्र मंगल, क्या कि राष्ट्र मंगल क्या हो जाएगा, राष्ट्रस्य मंगलम, क्या हो जाएगा, राष्ट्रस्य मंगलम। कौन सा समास रहेगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। दोबारा देख लो, कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम सब नमस्कार करते हैं, जिसके बिना पास में स्थित राष्ट्र को भी हम लोग नहीं देख सकते। अगले श्लोक की बात करते हैं, समान संस्कृति मतान यावति पितृ पुण्य भू तावतिम भुवमावर्त्यम राष्ट्रम एकम निगद्यते। क्या करते हैं, समान संस्कृति मतान यावत पितृ पुण्य भू तावतिम भुवमावर्त्यम राष्ट्रम एकम निगद्यते। कि समान संस्कृति मतान, समान संस्कृति मतान यानी समान संस्कृति वाले लोगों की, यावत यानी जहां तक, ठीक है, यावत यावत का मतलब होता है तक, ठीक है, कि समान संस्कृति वाले लोगों की जहां तक क्या है, पितृ पुण्य भू पैतृक पावन भूमि है, क्या है, पैतृक पावन भूमि है, समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक पावन भूमि है, तावतिम, तावतिम माने उतनी, कितनी, उतनी, भुवम माने पृथ्वी को, भुवम यानी पृथ्वी को, वह तावतिम भुवम आवृत्यम, आवृत्य यानी ढककर, ढककर, ठीक है, समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक पावन भूमि है उतनी भूमि को मिलाकर या ढककर उसका संपूर्ण रूप क्या कहा जाता है, राष्ट्रम एकम निगद्यते। निगद्यते माने कहा जाता है, राष्ट्रम एकम माने एक राष्ट्र, समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक पावन भूमि है
उत्तरी भूमि को मिलाकर क्या उसका संपूर्ण रूप क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र कहा जाता है। दोबारा सुनो, समान संस्कृति मतां, समान संस्कृति वाले लोगों की, यावती पितृ पुण्य हो, जितनी पैतृक पावन भूमि है, समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पैतृक पावन भूमि है, तावतीं उतनी भूमि को मिलाकर या ढककर उसका संपूर्ण रूप क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, आवृत्ति की अब इसकी यदि हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की बात करें तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या आ जाएगा? आवृत्ति शब्द आ जाएगा। क्या आएगा? आवृत्ति। ध्यान रखना, मैं जो आपको शब्द बताता हूँ व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए, उन वो शब्द आपको याद करने हैं। क्या करते हैं इसको? आ प्लस व्री प्लस ल्य, ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्लोक, समझ में आ रहे होंगे आपके श्लोक, मेरा ऐसा मानना है। यदि नहीं आ रहे हैं तो आप फिर भी हमें दोबारा से पूछ सकते हैं। नौवें श्लोक की बात करें, नौवें श्लोक कहता है कि पितृभूतम पुण्यभूतम द्वयम् यस्येन विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं किल न अर्हति। कि पितृभूतम पुण्यभूतम द्वयम् यस्येन विद्यते, पितृभूतम यानी जिस व्यक्ति का, यस्य माने जिसका, पितृभूतम, पितृभूतम माने जिस व्यक्ति की, ने तो पितृभूमि, और पुण्यभूतम, पुण्यभूतम माने मातृभूमि, जिस व्यक्ति का न तो पितृभूमि के प्रति भाव और न ही मातृभूमि के प्रति भाव, जिस व्यक्ति का न पितृभूमि और न मातृभूमि के प्रति भाव नहीं होता, जिस व्यक्ति का न तो पितृभूमि और न ही मातृभूमि का भाव नहीं होता। दोबारा सुन लो, जिस व्यक्ति की न तो पितृभूमि होती है, या हाँ ऐसे कर लो आप, सरल पड़ेगा आपको, कि जिस व्यक्ति की न तो पितृभूमि होती है और न ही जिस व्यक्ति की न तो पितृभूमि होती है और न ही जिसकी मातृभूमि होती है, या फिर ऐसे कह लो कि जिस व्यक्ति का न तो पितृभूमि के प्रति और न ही मातृभूमि के प्रति भाव होता है, तस्य सत्वम, तस्य माने उसका, सत्वम माने स्वामित्व, तत्र राष्ट्र माने उस राष्ट्र में, भवतुम न किल अर्हति, नहीं हो सकता उसका उस राष्ट्र में कोई स्वामित्व नहीं होता, उसका उस राष्ट्र में कोई स्वामित्व नहीं होता, तस्य स्वतंत्र तत्र राष्ट्र, उसका उस राष्ट्र में कोई स्वामित्व नहीं होता। ठीक है, तो ये हुआ आपका नौवां श्लोक। दसवें श्लोक की बात करते हैं, दसवें श्लोक क्या कहता है आपका? राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रयान अवलंब्य ही, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रयान अवलंब्य ही, कि राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के निवासियों का, पहले क्या देखते हैं कि राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, उत्थान यानी उत्थान और पतन यानी पतन, क्या राष्ट्रयान, राष्ट्रयान कहते हैं राष्ट्र के निवासियों का, अवलंब्य माने सहारा लेकर, और ही माने ही, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर राष्ट्र का उत्थान या पतन होता है, या फिर राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, या राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। भवतः सर्वदा, भवतः माने होना चाहिए, तस्मात माने इसलिए, शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया, इसलिए शिक्षणीयास्तु माने शिक्षित किया जाना चाहिए, राष्ट्रिय माने राष्ट्र के निवासियों को, इसलिए हमेशा राष्ट्र के निवासियों को क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। कि राष्ट्र के राष्ट्रयान माने राष्ट्र के निवासियों का, अवलंब्य माने सहारा लेकर, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। भवतः सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा, इसलिए हमेशा राष्ट्र के निवासियों को क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। अब इसका यदि हम इसमें क्या करें, राष्ट्रस्योत्थान पतने, राष्ट्रस्योत्थान
पत्नी, कैसे करें? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राष्ट्रस्य प्लस उत्थान, ठीक है। यहाँ से क्या निकला? ए। यहाँ से क्या निकला? ऊ। ए प्लस ऊ मिलकर कौन संधि हुई? ओ। और ओ किस में आता है? गुण संधि में। ए ओ आर अल, ये किसके उदाहरण है? गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। एक तो ये शब्द हो गया राष्ट्रस्य उत्थान पत्नी। एक एक शब्द हो जाएगा कौन सा? ये वाला, भवत सर्वदा। भवत सर्वदा में क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी इसकी। भवत है प्लस सर्वदा, कौन संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि होगी, ठीक है। विसर्ग सत्व संधि हो जाएगी इसमें। और ऐसी किसमें हो जाएगी? शिक्षण यास्तु में हो जाएगी। शिक्षण यहाँ प्लस टू, ठीक है। तो ये हुआ आपका 10वां श्लोक। अब अंतिम श्लोक की हम बात करते हैं, जो कि किसका है? चाणक्य का है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? चाणक्य से लिया गया है। सरल श्लोक है, बहुत ही सिंपल है। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्विहे विधे प्रतिपत्तये, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपत्तये, यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। क्या? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या क्या है? द्वे विधे, ये दो विधाएं हैं। किसकी? प्रतिपत्ति, ज्ञान प्राप्ति की। क्या है? दो विधाएं हैं, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं हैं। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो कैसे कर सकते हैं अपन? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं होती हैं, दो विद्याएं होती हैं। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे, शस्त्रेण तृतीय विभक्ति लगी हुई है। शस्त्रेण यानी शस्त्रों के द्वारा, रक्षते माने रक्षित किए जाने पर, राष्ट्र माने राष्ट्र में। क्या? कि शस्त्र यानी शस्त्र के सुरक्षित होने पर, शस्त्रों के द्वारा सुरक्षित होने पर राष्ट्र में क्या है? शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा प्रवर्तते माने शास्त्र चर्चा हो सकती है या शास्त्र चर्चा करना संभव है। यदि हमारा देश ही सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं होगा, तो हम कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे? तो वही कह रहा है ये श्लोक। चाणक्य जी क्या कहते हैं? चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की क्या है? दो विद्याएं हैं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की दो विद्याएं हैं। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर राष्ट्र में क्या है? शास्त्र चर्चा संभव है। दोबारा सुन लो, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर राष्ट्र में शास्त्र चर्चा संभव है। तो इस प्रकार से आपके क्या हुए? ये तीसरा पाठ समाप्त होता है। अब इस पाठ में जो भी अपने किसके पद आए हैं, संधियुक्त पद है, उनका एक बार अपन वर्णन करते हैं। जैसे कौन कौन से पद है संधि के जो यहाँ से आ सकते हैं बोर्ड में? चैव, धन्यास्तु, भवत सर्वदा, जन्म भूमिश्च। ये वाले पद जो हैं आपके बोर्ड की क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद करते हैं। चैव, आई की मात्रा आ रही है, यानी यहाँ पर कौन संधि की संभावना होती है? यहाँ पर विशेष रूप से वृद्धि संधि हो सकती है। कैसे करते हैं? चै प्लस एव, क्या आया? ए के बाद ए आने पर क्या हो जाएगा? आई हो जाता है। कौन संधि का नियम है? वृद्धि संधि का नियम था ये, वृद्धि स्वर संधि। कौन संधि है? वृद्धि स्वर संधि। धन्यास्तु, तय के बाद तय आ रहा है, ठीक है। कौन संधि हो जाएगी? धन्या प्लस टू, क्या आ रहा है? विसर्ग का सह हो रहा है। इसका मतलब यदि ध्यान रखना, यदि विसर्ग का सह होता है तो वहां पर सिर्फ एक ही संधि होगी, सत्व विसर्ग संधि। कौन संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि। उसके बाद ऐसे यहाँ भवत सर्वदा, क्या हो जाएगा? भवत है प्लस सर्वदा। यहाँ पर भी कौन सी होगी? सत्व विसर्ग। कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग। और यहाँ पर भी क्या होगा? सत्व विसर्ग। क्यों? छह के बाद क्या आ रहा है? छह आ रहा है। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? जन्म भूमि
विसर्ग जवाब चे। नियम क्या कहता है सत्य विसर्ग का कि यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, खर वर्ण है, इसका मतलब क्या हो गया, सत्र विसर्ग संधि हो गई। और यदि इसमें से हम किसकी बात करें, और तो कुछ है नहीं इसमें, हाँ कर्तृवाची कर्म वाच्य आ सकते हैं। जैसे एक कर्तृवाची कर्म वाच्य देख लो आप, अस्माकम, सॉरी ये तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर, देखते हैं अस्मा भी, इसी पाठ का ध्यान रखना, अस्मा भी देश प्रणम्यते, अस्मा भी देश प्रणम्यते, क्या बनाएंगे, सीधी बात है, यते यंते जिस वाले वाक्य में है वो वाक्य किसका होगा, कर्म वाक्य का होगा, और कर्म वाक्य का वाक्य हमेशा किस में बदला जाएगा, कर्तृवाच्य में। शुरू करते हैं, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है अस्माभि, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन क्या हुआ, वयम, ठीक है, क्या हुआ वयम, तो देश का क्या हो जाएगा, देशम, क्या आ जाएगा, प्रणमामि, प्रणमाम है, क्या आ जाएगा, प्रणमा में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, और आप निरंतर पढ़ते रहें, ठीक है, धन्यवाद।